हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोटोशॉप CS5 सीखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सब मेनू दिया है जिसमें एडोब फोटोशॉप CS5 पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे फोटोशॉप की स्क्रीन ओपन हो रही है। हमें यहाँ इमेज लेनी रहेगी, फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिए, ओपन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से इमेज सिलेक्ट करके ओपन कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इमेज दी है। इमेज की डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन। नया पेज लेने के लिए पेज को नेम दे दीजिए और ओके दीजिए, और यहाँ पे कंट्रोल वी करिए, उसकी डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। ओरिजिनल कॉपी को हम बंद कर देते हैं, यहाँ से बंद हो जाएगी। अभी हम टूल बॉक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है मूव टूल। मूव टूल पे क्लिक करोगे तो आप आपकी इमेज को मूव कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट, आपको जिस तरह से मूव करनी है आप मूव कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टूल बॉक्स का सिलेक्शन। उसमें हम फर्स्ट रेक्टेंगल मॉकवी सिलेक्शन टूल लेंगे, जिसे हम सिलेक्शन रेक्टेंगल फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपको रेक्टेंगल को मूव करना है तो आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो, उतना एरिया कट करना है तो मूव टूल सिलेक्ट करके आप कट कर सकते हो। अगर सिलेक्शन हटाना है तो कंट्रोल डी करो, कीबोर्ड में से सिलेक्शन हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एलिप्टिकल मॉकवी टूल, यानी कि आपका सिलेक्शन राउंड में लेगा, इस तरह के एलिप्टिकल फ्रेम में सिलेक्शन होगा। उसको भी आपको सेट करना है तो आप डायरेक्टली सेट कर सकते हो, उतना एरिया कट करना है तो मूव टूल लेके आप उतना एरिया कट कर सकते हो, और आपको जहां ड्रॉप करना है आप ड्रॉप कर सकते हो। अगेन अगर आपको वापस जहां था वहां करना है तो कंट्रोल जेड दे दो सिलेक्शन हटाने के लिए, डिलीट। नेक्स्ट हम लेंगे सिंगल रो सिलेक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिलेक्शन। आप देख सकते हो इस तरह से सिलेक्शन लिया है। नेक्स्ट है, अगर आपको अपने हिसाब से ऑप्शंस देके सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट है लाइजो टूल। लाइजो टूल लेके आपको जिस तरह से सिलेक्शन लेना है सिंगल क्लिक से वो सिलेक्शन ले लेगा। सिलेक्शन करके आप छोड़ दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया है, वो टूल से आप उतना एरिया कट कर पाओगे। ये है लाइजो सिलेक्शन टूल। कंट्रोल डी देके डी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है प्लाइगोलाइजो टूल। प्लाइगोलाइजो टूल है कि सिंगल सिंगल सिलेक्शन लेना है, क्लिक वाइज सिलेक्शन लेना है तो यूज होता है प्लाइगोलाइजो टूल। अभी आप जहां जहां क्लिक करोगे वहां वहां से वो सिलेक्शन लेता जाएगा, यानी यहाँ पे ये यूजर फ्रेंडली है। जैसे यूजर सिलेक्ट करता है उस हिसाब से वो सिलेक्शन लेता रहता है। आप देख सकते हो जैसे आप क्लिक कर रहे हो वैसे वैसे वो सिलेक्शन ले रहा है, और उस तरह से वो सिलेक्शन मूव हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे सिलेक्शन रॉन्ग हुई है, आपको रब करनी है, तो आप डिलीट की का यूज करके उतना एरिया डिलीट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्शन ली जा रही है। जैसे जैसे हम क्लिक प्रेस कर रहे हैं वैसे वैसे वो सिलेक्शन ले रहा है। इस तरह से वो सिलेक्शन यहाँ आप देख सकते हो, आपने जिस तरह से सिंगल सिंगल क्लिक करके सिलेक्शन लिया था उतना पूरा का पूरा एरिया उसने सिलेक्शन ले लिया है। यहाँ पे जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। ये है प्लाइगोलाइजो टू। आप देख सकते हो सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन जितना आपने लिया है उतना एरिया आपको मूव करना है तो मूव भी कर सकते हो। मूव टूल यूज कीजिए और उतना एरिया आप कट करके साइड में रखिए। अब देख सकते हो परफेक्टली जैसे हमने क्लिक थ्रू सिलेक्शन लिया था वो ही एरिया निकाल के दिया है। कंट्रोल डी देके हम डी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक लाइजो टूल, यानी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेम कलर फॉर्म में मैग्नेटिक लाइजो टूल सिलेक्शन लेता है। हम जैसे यहाँ देख रहे हैं ये वो ऑटोमेटिकली जिस तरह से वो एरिया है वो सेम फ्रीक्वेंसी वाला एरिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा है, हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है।
वो यूवी सिलेक्शन लिया जा रहा है, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है, हमें कोई क्लिक प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ माउस का कर्सर मूव करिए आप सिलेक्शन ले लेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर उसने सिलेक्शन ले लिया है, ये है मैग्नेटिक लाइजो टूल। इसको भी हम मूव टूल की मदद से निकाल के अलग प्लेस पे रख सकते हैं। ये है सिलेक्शन टूल्स। थैंक यू।